तब आज हमने टॉपिक करना है इनफ्रेंसेज इनफ्रेंसिस मतलब आपको इस स्टेटमेंट से इस पैराग्राफ से क्या चीज इन्फर्ड हो रही है ये हर एक पेपर में आता है बैंकिंग स्टेट एंड क्लैट क्लैट में तो आपको पता ही है इस बार पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आने हैं तो आपको एक पैराग्राफ दिया होगा नीचे तीन से लेके पांच क्वेश्चन दिए होंगे आपको बताना है कि इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्या से क्या चीज सही है अब इसमें आंसर्स कैसे देने हैं अगर आपके पैराग्राफ में वो स्टेटमेंट जो नीचे लिखी है वो साफ साफ दी हुई है तो आंसर आ जाएगा डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली ट्रू मतलब आपको कोई डाउट ही नहीं है वो बिल्कुल सही है क्लियर अगर पैराग्राफ में जो चीज दी है वो बिल्कुल गलत दी हुई है स्टेटमेंट में कुछ और है और पैराग्राफ में कुछ और है तो आंसर आ जाएगा डेफिनेटली फॉल्स जो पैराग्राफ में आपके पास है वो नीचे जो आपको स्टेटमेंट में पूछा हुआ है वो ऑप्शन में है ही नहीं पैराग्राफ में बिल्कुल मिसिंग है तो आंसर आ जाएगा डेटा अब अब एक बचा प्रोबेबली प्रोबेबली ट्रू और फॉल्स ये कब आते हैं जब आपके पास साफ साफ कुछ नहीं दिया हुआ पर हिंट दिया हुआ है ठीक है अगर साफ साफ दिया होगा तो डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स आएंगे पर अगर हिंट दिया हुआ है तो क्या आएगा प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स क्लियर चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं एक पैसेज है और उसके नीचे तीन से पांच क्वेश्चन होंगे अब जैसे कि इसमें चार क्वेश्चन है आपके पास ये पैराग्राफ है आपको ये पैराग्राफ रीड करना है क्लैट के पेपर में जितना रीडिंग पे जोर डालेंगे उतना अच्छा होगा ऐसे ही बैंक में भी पीओ के एग्जाम में जितना रीडिंग पे जोर डालेंगे उतना अच्छा होगा आपका पैराग्राफ एक बार समझ आ रहा है कि दो बार में समझ आ रहा है तो दो बार में समझ आ रहा है तो टाइम लग रहा है आपको ठीक है तो आप न्यूज पढ़ने की आदत डालें चलिए अभी इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और फिर चार क्वेश्चन करेंगे अब इस पैराग्राफ में हमारे पास क्या लिखा हुआ है इन इंडिया वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद एलिमेंटरी प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ केयर आर परफॉर्मेंस इन हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स लाइक प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन रिमेन पुअर

क्या बनाने में हॉस्पिटल्स बनाने में एड एजेंसीज आर आल्सो पुशिंग वन प्रोग्राम आफ्टर अनदर एड एजेंसीज को पुश किया जा रहा है कि एक के बाद दूसरा प्रोग्राम करिए ओवर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एट दिलेज लेवल अनफॉर्चुनेटली नो वन टॉक्स ऑफ फैसिलिटीज एट दी विलेज लेवल विलेज लेवल के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा चलिए अब ये पैसेज हमने पढ़ा मेरे पास चार क्वेश्चन है इस पैसेज से पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है अदर कंट्रीज है कि दिया हुआ है। ये देखिए आपके पास लिखा है इन इंडिया वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है इट मीन बाकी कंट्रीज कर चुकी हैं। ठीक है ये आपके पास डेफिनेटली ट्रू नहीं आएगा क्या आ जाएगा प्रोबेबली ट्रू ठीक है तो फर्स्ट का आंसर आ गया प्रोबेबली ट्रू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास यही पैसेज और इसी का क्वेश्चन अब पैसेज हमने रीड कर लिया है सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज हेल्थ इज द लैक ऑफ एडिकुएट इंफ्रास्ट्रक्चर एट दी ग्रासरूट लेवल देखिए यहां पर लिखा भी हुआ था कि ग्रास रूट लेवल में विलेज लेवल में ये पूरा मिसिंग है ठीक है तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जो हेल्थ की बेसिक प्रॉब्लम है लैक ऑफ एडिकुएर एट द्रासरूट लेवल बिल्कुल साफ साफ कह रहा है तो आंसर आ जाएगा डेफिनेटली ट्रू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बिल्डिंग न्यू हॉस्पिटल्स हम नए हॉस्पिटल्स बनाएंगे उसकी वजह से एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ता हां जी पैसेज में देखिए आपके पास लिखा हुआ है आरनिकली इन द नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये लिखा वेरियस इंडियन स्टेट्स आर बिजी बिल्डिंग टर्शरी इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है ये बिल्कुल गलत कह रहा है तो आंसर आ जाएगा डेफिनेटली फॉल्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द प्रॉब्लम ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज एज मच इन दिटीज वो कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम जितनी सिटीज में है उतनी ही विलेजेस में है ठीक है जबकि पैसेज में था कि इंफ्रास्ट्रक्चर विलेजेस में तो मिसिंग है और ये कह रहा है सेम प्रॉब्लम है तो ये क्या हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स जी पहले चार क्वेश्चन आप सबको समझ आ चुके होंगे सेट पे चलते हैं चलिए फाइव टू एट पहले पेसेज पढ़ेंगे फिर पांच या चार क्वेश्चंस जितने हैं उसके आंसर्स देंगे हां जी पैसेज में लिखा है इंडिया हैज एक्वायर्ड द डूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट इन द वर्ल्ड। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द नंबर इन इंडिया वुड फार सोज इन चाइना बाय टू

It has also been found that diabetes are more prone to develop coronary artery disease. Women with diabetes are also seen to help develop heart diseases at an earlier age. Diabetes is a leading cause of blindness, ka, renal failure, ka, and cardiovascular diseases. Ka. The reason for predisposition of Indian to the disease may be both due to genetic factors as well as central obesity in the middle-aged people. स्टडीज ने शो किया है तीन चौथाई का डिफरेंस है अर्बन और रूरल पीपल में ठीक है जैसे कि अर्बन वाले लोग फिजिकल वर्क नहीं करते ठीक है तो उनको डायबिटीज ज्यादा होता है रूरल एरियाज में लोग फिजिकल वर्क करते हैं तो उनको डायबिटीज कम होता है लाइफ फैक्टर्स की वजह से सेंट्रल ओबेस्टिन अर्बन पॉपुलेशन इज हायर इन डेवलपिंग कंट्रीज मेजोरिटी ऑफ पीपल विद डायबिटीज विल बी इन द एज ग्रुप ऑफ 45 फाइव टू सिक्सटी डिवेलपिंग कंट्रीज में फोर्टी फाइव टू सिक्स फोर में होता है पर डिवेल्ड कंट्रीज में डायबिटीज काबी फाइव एक्सपर्ट है नीड टू स्टार्ट प्रिवेंटिव मयर्स फॉर दिस स्टेप शुड बी टेकन दैट इनकरेज फिजिकल एक्टिविटीज इसके लिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं

अगले क्वेश्चन में कह रहा है इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री अब देखिए पैसेज में लिखा था कि डेवलपिंग कंट्रीज में ठीक है डेवलपिंग कंट्रीज में डायबिटीज कब होता है पैंतालीस से चौट में डेवलप्ड कंट्रीज में सिक्सटी फाइव के बाद अब देखिए इंडिया में पैंतालीस से चौट में होना शुरू हो जाता है तो इंडिया इज अ डिवेलप कंट्री डेफिनेटली फॉल्स नहीं करेंगे क्योंकि साफ साफ नहीं लिखा अगर साफ साफ लिखा होगा तो डेफिनेटली फॉल्स नहीं तो प्रोबेबली फॉल्स हिंट दिया है तो प्रोबेबली फॉल्स चलिए इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन केसेज ऑफ डायबिटीज इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया आर लोअर देन दोज इन अर्बन एरियाज हां जी ये भी पैसेज के साफ साफ लिखा है स्टडीज ने शो किया है तीन चौथाई का डिफरेंस है अर्बन और रूरल एरियाज में तो वही कह रहा है कि रूरल एरियाज में डायबिटीज कम होता है तो बिल्कुल सही कह रहा है तो आंसर आ जाएगा डेफिनेटली ट्रू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं हां जी नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे और इसके चार क्वेश्चन करेंगे The quest for big money is inciting professionals in some sectors to shift to more lucrative areas. Take engineers, with their salaries moving at the slowest rates. It is no wonder that many engineering graduates are switching over to management courses. And over 80% of the students at IM in Calcutta are engineers. Say Ramanuj Majumdar, professor of marketing.

क्वेश्चन में कह रहा है इंजीनियर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सैलरीज इन इंडिया देखिए आपके पास साफ साफ़ लिखा है टेक इंजीनियर्स विद देयर सैलरीज़ मूविंग एट दिस स्लोएस्ट रेट्स तो बिल्कुल सही कह रहा है डेफिनेटली ट्रू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स एट आई एम इन कैलकाटा आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ये भी साफ साफ लिखा है ये देखिए आपके पास लिखा है मैक्सिमम कि आई एम कैलकाटा में है एट्टी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा आपका डेफिनेटली ट्रू चलिए नेक्स्ट है पे पैकेजेस आर मोर अट्रैक्टिव इन मैनेजमेंट देन अदर जॉब्स देखिए यहां पर जो कंपैरिजन है वो सिर्फ सी के साथ हो रहा है कि जो पे पैकेजेस है एम के वो ज्यादा है सीए से पर अदर जॉब्स तो ये तो बहुत सारी हो जाएंगी तो डेफिनेटली ट्रू नहीं बोलेंगे प्रोबेबली ट्रू चलिए इसी पैसेज का लास्ट क्वेश्चन एन एमबीए कैन रन एन ऑर्गेनाइजेशन बेटर देन एसीए अब देखिए इस पैसेज के एंड में लिखा है दिस इज पार्टली बिकॉज़ सीएज जो फिनोमिना थे सेवेंटी के उसकी जगह किसने ले ली है एमबीए ने किसी की जगह कोई कब ले सकता है जब वो उससे बेटर परफॉर्म करेगा ठीक है जो सी ए है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है अकाउंट संभालता है एम बी ए सब कुछ मैनेज करता है आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजर्स को कंपनी होंगे तो ही रखा जाता है क्लियर तो इसमें आंसर आ जाएगा प्रोबेबली ट्रू चलिए हाँ जी ये हमने किए थोड़े से क्वेश्चन क्लाट के रिगार्डिंग अगर आपको हमारे